पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इनरव्हील क्लब मुरादाबाद सिविल लाइन्स डिस्ट्रिक्ट 310 का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम का आयोजन रामगंगा बिहार स्थित एक रेस्टोरेंट में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनिता सिंह रहीं, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शालिनी गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट एडिटर रीना गोयल विशिष्ट अतिथि रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत क्लब प्रेयर से की गई, जो रेणु सैनी और कल्पना गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने क्लब प्रेसिडेंट का इंस्टॉलेशन कराया। क्लब सेक्रेटरी शिवानी पाठक ने साल भर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं सभी ने नवनियुक्त अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि क्लब को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़े। इस अवसर पर ज्योति अग्रवाल और उनकी पूरी टीम का फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। और अब हम मैं भी उसी लाइन पर हूँ एज अ डिस्ट्रिक्ट एडिटर। तो इसके लिए मैं रेणु मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू कहूँ या उनका आशीर्वाद, बस हमेशा हमें यूँ ही मिलता रहे। बाकी शुभी ने लास्ट ईयर थोड़ा कम मिसिंग रही हूँ, उसके बिहाफ पे वाइस प्रेसिडेंट पूनम रस्तोगी जी ने जो कार्यभार संभाला और सबने उनका जो सहयोग दिया बराबर से। सेक्रेटरी भी चाहे प्रेसिडेंट ना हो, बड़ा मुश्किल होता है किसी काम को करना अगर प्रेसिडेंट एक्टिव ना हो, लेकिन उसके ना होते हुए भी जो वाइस प्रेसिडेंट पूनम रस्तोगी जी ने क्लब को संभाला, उसके लिए वो भी बधाई की बहुत बहुत पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू कि सबने उनका बहुत साथ दिया, अगर उन्होंने कहीं चलने को कहा तो सब चल दिए। और आज हमारे बीच जो अब हमारे क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हैं सुनीता गुप्ता जी, वो भी समाज में कई प्रतिष्ठित स्थानों पर हैं, तो हमारे क्लब की मेंबर हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मैं ज्योति को और शिवानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने साल में वो कुछ बहुत अच्छा करें। उनकी पूरी टीम प्रेसिडेंट कल्पना गुप्ता जी, आईएसओ रेणु सैनी जी, सबसे उम्मीद करती हूँ कि वो अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम करें और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, निसंकोच, आप जानते ही होंगे कि निसंकोच आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यूँ तो ज्योति प्रेसिडेंट बनकर आते हैं और लोग साल निकाल देते हैं, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला तय है तो मंजिलें बिल्कुल बहुत बहुत आसान होंगी तुम्हारे लिए। बहुत सारी बेस्ट विशेष तुम्हारे लिए। आज हमारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई है, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट अनीता सिंह जी, जो डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, वो आज हमारे यहाँ बीच में आई हैं। और आज हमने इनके बीच में आज हमने चार प्रोजेक्ट करे हैं, जिसमें एक कन्या को, दो कन्याओं को अडॉप्टेशन लिया है दो फैमिलीज़ ने। एक मैंने खुद एक छोटी कन्या को अपने अडॉप्ट लिया है पूरी लाइफ टाइम के लिए, और एक और हमारी जो PDCs हैं आशा सिंह जी, उन्होंने भी एक कन्या को अडॉप्ट करा है लाइफ टाइम के लिए, शादी तक के लिए। और जी, और दूसरा एक, हाँ, दूसरा प्रोजेक्ट हमने एक ई रिक्शा एक गरीब फैमिली को दी है, जिससे उसका भरण पोषण हो सके, वो अपनी फैमिली को चला सके, जिससे उसके सहारे अपनी चला के वो रिक्शा को। और तीसरा हमने गरीब बच्चे को एक पूरे साल की फ़ीस दी है, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। और बहुत सारे बच्चों को लिए हमने स्टेशनरी का सामान भी बांटा है, जो हम 15 अगस्त में सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और ये सारे कार्य करके मुझे बड़ा अच्छा, दिल को अच्छा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम सब बहनों के, इन अभी बहनों के द्वारा ही ये कितने बड़े कार्य कर पाते हैं, और सब मेरे मेंबर्स का बहुत सहयोग है, जिससे कि हम आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।